हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आज बात होने वाली है गढ़वाल चित्रशैली की। यहाँ पे हम जानेंगे गढ़वाल चित्रशैली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, गढ़वाल चित्रशैली की बात हो और हम बात न करें मोलाराम की, तो ऐसा कभी हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ साथ हम जानेंगे इस वीडियो में मौलाराम से जुड़े हुए भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, जैसे मौलाराम किस वंश से थे, इनके पिता कौन थे, इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं गढ़वाल चित्रशैली। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देखिए गढ़वाल चित्रकला की मैं बात करूं या चित्रशैली की मैं बात करूं, जो इसका विकास काल माना जाता है वो माना जाता है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। तो कहां पे से शुरू हुआ इसको थोड़ा जान लेंगे अब हम, ठीक है? तो गढ़वाल चित्रशैली का जो आरंभिक वर्ष था 1658, तो 1658 में हुआ क्या, गढ़वाल पे शासन कर रहे थे पवार परमार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह। उसी समय आगमन हुआ सुलेमान शिकोह का, जिनको इन्होंने आश्रय दी थी राज दरबार में, ठीक है? तो सुलेमान शिकोह के साथ मुगल दरबार के दो चित्रकार भी साथ आए थे। वो दो चित्रकार थे श्यामदास व हरिदास, और ये श्यामदास हरिदास वही थे जिन्होंने गढ़वाल चित्रशैली की नींव डाली। यहीं पे से शुरू हुई गढ़वाल चित्रशैली की यात्रा, ठीक है? समझ पाए होंगे आप। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए गढ़वाल चित्रशैली का वास्तविक जो श्रेय जाता है नींव रखने का, किसे जाता है? तो ये श्यामदास व हरिदास को जाता है, जो कि शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कहाँ पे से शुरू हुआ था, 16वीं शताब्दी से 19वीं तक। अब देखिए, गढ़वाल नरेशों के दरबार में चित्रकारों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? तो गढ़वाल नरेश एक विशिष्ट शब्द प्रयुक्त करते थे चित्रकारों के लिए, तस्वीरदार। मैंने आपको पवार परमार वंश वाली जो अभी लेटेस्ट वीडियो दी थी राजनीतिक व्यवस्था वाली, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पवार शासन में क्या था कि जो राजा लोग थे वो बड़ा रिस्पेक्ट देते थे, उनको राजाश्रय देते थे ऐसे टैलेंटेड लोगों को, जो चित्रकार थे या कवि थे या जो गुरु थे, ठीक है? इन लोगों को राज दरबार में काफ़ी अच्छा इनको ट्रीट किया जाता था, काफ़ी सम्मान मिलता था इनको, ठीक है? तो तस्वीरदार बोला जाता था चित्रकार को। अगला देखिए, गढ़वाल चित्रशैली के महानतम चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे? तो गढ़वाल चित्रकारी के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ मौलाराम को भीष्म पितामह, ठीक है? गढ़वाल चित्रकारी का हम बात करें और इनका नाम ना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो मौलाराम ने ऐसी ऐसी कृतियाँ बनाई अपने टाइम पे, और ये पुत्र थे मंगत राम के। और मैं बात करूँ किस वंश से ये थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इनका वो संबंध था तोमर वंश से, इनका पूरा नाम था मौलाराम तोमर, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मौलाराम की प्रमुख चित्रशाला कहाँ स्थित थी? तो ये चित्रशाला में हमेशा चित्र बनाते थे अपने, और काफ़ी वहाँ पर बिजी रहते थे, ज़्यादा इनको कोई मतलब नहीं था दुनिया से, ठीक है? और इनका एक जो कृष्ण रूपी चित्र हो गए, रामायण के कुछ चित्र हो गए, काफ़ी ऐसे आर्ट बनाते थे, ठीक है? और इसके साथ साथ जो ये चित्रशाला थी इनकी स्थित, ये थी श्रीनगर में। और यहाँ पे कुंवर प्रीतम शाह भी इनके वहाँ पे ट्रेनिंग लेने आता था, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मौलाराम कौन से कुंवर को प्रैक्टिस करवाते थे चित्रकारी की, तो वो था कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है? वो टिहरी से श्रीनगर तक यात्रा करता था केवल चित्रकारी सीखने के लिए, ठीक है? तो इनकी जो चित्रशाला थी कहाँ थी, श्रीनगर में। अगला देखिए, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के अनुसार मौलाराम का काल माना जाता है, तो मौलाराम का काल माना जाता है मुकुंदीलाल, जिन्होंने मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा, ये काल है 1743 से लेकर 1833 तक, ठीक है? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में जम्मू से लेकर गढ़वाल में प्रचलित चित्रशैली को ही पहाड़ी चित्रशैली कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर गढ़वाल तक की जो चित्रकारी होती थी ना उस टाइम की, उसी को ही पहाड़ी चित्रशैली कहा जाता है, ठीक है? और इसका टाइम पीरियड है 16वीं से 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखिए, मौलाराम की चित्रकारी को दुनिया के सामने किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, ठीक है? नेक्स्ट है, गढ़वाल शैली के मुख्य विषय निम्न हैं, कौन कौन से विषय हैं ये जानेंगे हम, ठीक है? किस विषय पे गढ़वाल पेंटिंग्स बनती थी, समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो चित्रकार थे उस समय के गढ़वाल के, वो किस विषय पे पेंटिंग्स बनाया करते थे? वो थे रुक्मणी मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत और कामसूत्र, इन सभी चीज़ों पर पेंटिंग बनाई जाती थी उस टाइम पर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, किस भूकंप में मौलाराम की चित्रशाला ध्वस्त हो गई थी? मैंने अभी आपको बताया श्रीनगर में थी ना उनकी चित्रशाला, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे और चित्र बनाते थे अपने,
ये ध्वस्त हो गई थी 1803 का जो भीषण भूकंप आया था, इसमें काफी चीजें, ये मान के चले कि पूरा गढ़वाल ही इसमें ध्वस्त हो गया था। मात्र 20-25% ही लोग बच पाए थे, और जो बिल्डिंग्स वगैरह थी और जो भी स्थापत्य कला के जो अच्छे अच्छे नमूने थे ना, वो ध्वंस हो गए इस वाले भूकंप में। तो गढ़वाल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन के आता, जैसे लास्ट टाइम बीपीडी में बना था कि ये किला कब ध्वस्त हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे 1803 याद रखें, क्योंकि बड़ा ही विनाशकारी भूकंप था वो। ठीक है, अब देख लेंगे गढ़वाल चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं या कृतियाँ, ये किन किन लोगों ने लिखी है और क्या इनका नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ गढ़वाल पेंटिंग्स, ये लिखी गई है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा, यही लाए दुनिया के सामने मौला राम के चित्र। दूसरा देखिए राजपूत पेंटिंग, ये लिखी है डॉक्टर कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है हिमालयन आर्ट, ये लिखी है जेसी फ्रेंच ने। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रकला, तो पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है, किशोरी लाल वैद्य की। अगला देखिए द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये लिखी है अजीत घोष ने। नेक्स्ट है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, यह है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की। इसके साथ साथ इन्होंने एक और लिखी है उत्तराखंड संस्कृति। इन सभी बुक्स में या इन सभी कृतियों में जिक्र किया गया है उत्तराखंड की या गढ़वाल की चित्रशैली की। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कृतियों में ही चित्रशैली का वर्णन है, क्वेश्चन बन सकता है इनसे, तो इनके राइटर्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे देखिए गढ़वाल चित्रशैली से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, उसके लिए वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।